नमस्कार, मेरा नाम है कविता सिंह। दिव्य हिमाचल अपनी माटी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपनी माटी में लेकर आए हैं किसान बागवान भाइयों के लिए कुछ खास वीडियो। तो आइए नजर डालते हैं अपनी माटी पर। हिमाचली किसान उगाएंगे प्याज की दो फसलें, खरीफ सीजन में फसल उगाने पर दिया जा रहा जोर। नौणी में फलदार बूटे लेने पहुंचे सैकड़ों बागवान, ऐसे ले बेहतर क्वालिटी के पौधे। बर्फ ने किया अपना काम, अब बागीचों में डट जाएं किसान। अब कृषि और बागवानी समाचार विस्तार से। देश भर में प्याज के दाम 100 रुपए प्रति किलो पार पहुंचने से मचे बवाल का तोड़ हिमाचली किसानों के हाथ है। प्रदेश में इस बार प्याज की पनीरी को बड़े स्तर पर रोपा जा रहा है। इसके अलावा मार्च अप्रैल माह में भी प्याज की पनीरी रोपने को लेकर किसानों को प्रेरित किया जा रहा है, ताकि खरीफ मौसम में भी यह फसल पैदा की जा सके। मौजूदा समय में हिमाचल में प्याज की साल में सिर्फ एक फसल वसूली जाती है तथा प्याज की औसतन 50,000 टन पैदावार है। यह प्रदेश के लिए नाकाफी होने के कारण प्याज दूसरे राज्यों या विदेश से इम्पोर्ट करना पड़ता है। महाराष्ट्र में प्याज की तीन फसलें आसानी से उगाई जाती हैं। ऐसे में अगर हिमाचल में सालाना दो फसलें उगाई जाएं, तो सर्दियों में महंगे प्याज की समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि खरीफ की फसल अक्टूबर में तैयार होगी। यह वही समय होता है जब प्याज के दाम आसमान छू रहे होते हैं। इस समय पूरे प्रदेश में प्याज की पनीरी रोपी जा रही है। किसानों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा पनीरी रोपी जाए। अपनी माटी टीम ने सिरमौर जिला के पच्छाद क्षेत्र का दौरा किया तो पता चला कि पनीरी 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। पहले यह कीमत 60 रुपए तक होती थी। फिलहाल पूरे प्रदेश में पनीरी की कमी चल रही है। इस बार प्याज की फसल काफी जोरों पे लगाई जा रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्याज को ज्यादा से ज्यादा लगाया जा रहा है, क्योंकि इस बार रेट तेज है और इसके साथ साथ पनीरी का रेट भी लोगों ने पिछले साल की अपेक्षा डबल कर दिया है। प्याज की कीमतों को देखते हुए पनीरी का रेट भी बढ़ा दिया गया है। अब आने वाले समय में देखते हैं कि प्याज के रेट कहाँ पहुँचते हैं, कितनी से रिलीफ मिलती है। इस साल जो है पनीरी का रेट क्या मिल रहा है आपको? इस साल 100 रुपये हो चुका है, और पिछले वर्षों में 50 से 70-80 रुपये की तुलना में इस बार 30 से 35 रुपये ज़्यादा रेट मिल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि लोग इस बार ज़्यादा प्याज लगा रहे हैं? ज़्यादा प्याज लगा रहे हैं, इस बार पिछले साल की अपेक्षा 2 गुना लगा रहे हैं लगभग में। उसका कारण यही है कि प्याज की कीमतें का बढ़ना। प्याज की दो फसलों को लेकर हमने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर सिरमौर डॉक्टर राजेश कौशिक से बात की। उन्होंने कहा कि साल में प्याज की दो फसलें आसानी से उगाई जा सकती हैं। सिरमौर जिला के किसान जो पहले 300 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पे प्याज की खेती किया करते थे, इस बार लग रहा है कि वो इसमें और इजाफा करेंगे और लगभग 400 हेक्टेयर के करीब इस बार प्याज की खेती करने की उम्मीद सिरमौर जिला में लग रही है। मैं किसान भाइयों को सिफारिश करना चाहता हूँ कि प्याज की खेती का एक नई तकनीक विकसित हुई है, जिसके अंतर्गत खरीफ के मौसम में प्याज लगाया जा सकता है, क्योंकि रबी के मौसम में जो प्याज तैयार होता है उसको खरीफ के मौसम या जैसे अक्टूबर नवंबर में जब दाम बढ़ते हैं तब तक स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खरीफ अनियन में बिल्कुल जैसे आम जो प्याज की खेती की जाती है उसी के मुताबिक मार्च के पहले पखवाड़े में नर्सरी की बिजाई की जाती है। 800 ग्राम जो बीज है वो एक बीघा के लिए पर्याप्त होता है। नर्सरी देने के बाद मई के महीने तक वो 8-10 सेंटीमीटर ऊंची हो जाती है और उसमें 4-5 पत्ते भी आ जाते हैं। मई के मौसम दूसरे पखवाड़े में उसको पानी देना बंद करना पड़ेगा, भूमि के अंदर थोड़ा सा सहन करने की उनकी शक्ति बढ़ जाए और वो अडेप्ट कर सके। जब हमने इनको जून के महीने में निकाल देना है, उसके बाद इनको हल्की छाया में सुखाना है। सुखाने के बाद उसके पत्ते बिल्कुल सूख जाएंगे और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में हमने इसको दोबारा से भूमि में ट्रांसप्लांट कर देना है। ट्रांसप्लांट करते हुए ध्यान रखें 15 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरे लाइन की
बीज की दूरी हो और 8 सेंटीमीटर एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी होनी चाहिए। और ये जो खरीफ मौसम के दौरान हमने ट्रांसप्लांट किया है प्याज, ये अक्टूबर नवंबर के दौरान हरा प्याज के रूप में मार्केट में भेजा जा सकता है। और जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दाम बहुत बढ़ते हैं तो उस बढ़े हुए दाम का फायदा हमारे सिरमौर के किसान उठाएं। डॉक्टर वाई एस परमार औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में प्रदेश भर से बागवान हाई क्वालिटी फलदार पौधों की आस में आ रहे हैं। इस बार यूनिवर्सिटी में मौके पर ही रजिस्ट्रेशन हो रही है। विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट द्वारा यह प्रक्रिया दो चरणों में करवाई गई। विश्वविद्यालय में लगभग 2000 व केवी के कंडाघाट में 500 किसानों ने शुरुआती चरण में बुकिंग करवा ली थी। कुलपति डॉक्टर प्रविंदर कौशल ने अपनी माटी टीम को बताया कि प्रत्येक किसान को पौधे प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाने का निर्णय किसानों की सुविधा को ध्यान में रख कर लिया गया है। सेब व अन्य गुठलीदार फलों के बूटे किसानों को बांटे गए हैं। मैं बसंत सिंह नेगी, जिला की नॉर्थ हिमाचल प्रदेश से, यहाँ नॉनी यूनिवर्सिटी में सेब के पौधों के लिए आया हूँ। पिछले वर्ष इससे पहले जो है पहले आओ पहले पाओ की जो चलता था, और इस बार अच्छा है, कुछ स्ट्रेटजी से ये जो काम चल रहा है इस बार अच्छा लगा। पिछले हम निराश होके गए पिछले वर्ष, इस बार कुछ ना कुछ पौधे हमें मिल रहा है। सिस्टम बढ़िया है, काफ़ी परेशानी से मिले, ये रोग बहुत ही कम मिले इस बार, ये ठीक है। हम लोग सभी को मिल रहे हैं, बराबर ही मिल रहे हैं, थोड़ा लाइनों में है जी, पर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज होना जी, सारे जैसे हिमाचल के आगे और यहाँ लाइन में लगे, कम से कम ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाइए ताकि भी लोगों को परेशानी नहीं हो। मेरा नाम जोशवीर है, मैं राजगढ़ से हूँ, और मैंने जो है 25 पौधा सेब का लिया है। इसमें जो है 7 पौधे जीरो माइन के हैं और 10 पौधे सुपर चीप के हैं और 10 पौधे गेल काला के हैं। तो बहुत अच्छा था, पंजीकरण का सिस्टम अच्छा था, लेकिन यहाँ जो काउंटर पर पैसे जमा कराने में यहाँ दिक्कत आ रही थी। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के रिकॉन्ग पीओ कल्पा गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ नौनी यूनिवर्सिटी आया सेब के पौधों के लिए और कीवी के लिए। अब जो सिस्टम किया हुआ वो बहुत अच्छा किया हुआ, इसे ऑनलाइन किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये पौधों का वितरण आज जो है सोलन डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो बागवानी है यहाँ पर, तथा कंडाघाट जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र हॉर्टिकल्चर स्टेशन है, यहाँ पर इसका जो है वितरण। बाकी जो वितरण है पौधों का, सब्जियों में जो फलदार वृक्ष लगते हैं उनका, जो हमारे टीवी केस हैं या रिसर्च स्टेशन हैं, उनमें बाद में तिथियाँ तय होंगे। आप ये जानते हैं कि विश्वविद्यालय ने जो पौधे तैयार किए हैं इस वर्ष सीमित मात्रा में, खासतौर पर जो नई किस्में हैं फलदार पौधों की, उनका जो है वितरण करना है। और आज तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमने जो उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा जो है हमारे बागवान आज विश्वविद्यालय में आए, उन्होंने विश्वविद्यालय में विश्वास प्रकट किया और पौधों के लिए जो है हम बहुत उत्सुक थे लेने के लिए नई किस्मों के। और आप देख रहे होंगे आज लगभग 1500 के करीब और इससे ज़्यादा ही जो है हमारे बागवान यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में दिसंबर के अंत में हुई बर्फबारी ने बागवानों में नई उम्मीदें जगा दी हैं। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा की चोटियां सफेद नजर आ रही हैं। बागीचों में गले तक बर्फ नजर आ रही है, नदी नाले और झीलें जम गई हैं। बेशक इस बर्फ से इन इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन सेब के लिए यह अमृत समान है। बागवानी सेक्टर को इस बार बम्पर फसल की उम्मीद है। आखिर सेब के लिए यह हिमपात कितना फायदेमंद है? बागवानों की इन्हीं उलझनों का समाधान करने के लिए अपनी माटी टीम ने उद्यान अधिकारी दिकांगपियो जगत नेगी से मुलाकात की। इस दौरान नेगी ने मौसम को लेकर खुलकर बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जगत सिंह नेगी। बागवानी से जुड़े सभी किसान भाइयों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। इस वर्ष
नवंबर दिसंबर में गिरी बर्फबारी आने वाले समय में अच्छे फलोत्पादन का संकेत दे रही है, क्योंकि जो फल पौधों के लिए जो आवश्यक चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट है वो समय पर ही पूर्ण होने की संभावना इस बार नजर आ रही है। बागवानों से निवेदन है कि दिसंबर माह में तौलियों का कार्य पूर्ण करने समय पर पूर्ण कर दें, जिसमें अभी तौलियों में नमी होने के कारण गोबर की मात्रा पूर्ण मात्रा नाइट्रोजन आधा व सुपर फॉस्फेट व पोटाश की पूर्ण मात्रा को तने से एक फुट की दूरी पर छोड़कर पूर्णतया अच्छे से मिला लें। देखा जा रहा है कि लोग प्रूनिंग का कार्य भी अभी से ही कर रहे हैं, उचित होगा कि यह कार्य बागवान फरवरी माह में आरंभ करें और कटी हुई मोटी टहनियां को जो है ब्लास्टॉक्स पेस्ट से पूर्णतया ढक दें। इसके अलावा मार्च महीने में जब टाइट क्लस्टर की स्टेज आएगी तब लोग HMO व TSO का सही समय पर प्रयोग करें। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो वैज्ञानिकों व विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों व सलाह का पूर्ण फायदा उठाएं, ताकि मार्केट से अच्छे रेट भी हम। तो यह था उद्यान अधिकारी का एक्सपर्ट कमेंट। बागवान भाइयों के लिए जल्द लौटेंगे नई जानकारियों के साथ। और अब चलते चलते प्रदेश में 10 और सब्जी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की तैयारी। ईनाम में सोलन की मार्केट है अग्रणी। ऊना के कटोहर खुर्द की गौशाला में गोवंश की दुर्दशा, 6 गौओं ने छोड़ा चारा, एक तो सर्दी ऊपर से दवाएं नहीं। कांगड़ा की न्यूगल खड्ड में खनन पट्टे नीलाम न करने की मांग, किसान बोले न सिंचाई मिलेगी न ही बचेंगे घराट। और प्याज के बाद अब गोभी महंगी, 40 रुपए किलो पहुंचे दाम, साग ने भी टच किया 50 का आंकड़ा। अब वक्त है किसान बागवान भाइयों के मनोरंजन का। एपिसोड में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना खूब ख्याल रखिए।